हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन्स। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस तरह से डार्क गोल्डन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसा ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी फोटो यहाँ पर है, तो इस पर क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +22, एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, तो टेंट की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +45, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -10, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट में रेडटोन। तो गाइस, रेडटोन की ह्यू की वैल्यू हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +60, एंड यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +30, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे रखते हैं -10, एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -25, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +8, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -89, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम +17, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को करेंगे हम -20, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम -84, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -20, एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी फोटो की लाइटिंग को हम परफेक्ट रूप से सही करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को करेंगे हम -0.10, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को करेंगे हम +7, एंड यहाँ से हाइलाइट्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को करेंगे हम -30, एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे रखते हैं +14, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +25, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -4, एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, तो अब विनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -40, एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को कर देंगे हम 0, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, फेदर की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +66, एंड यहाँ से राउंडनेस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो राउंडनेस की वैल्यू यहाँ से करेंगे हम +14। अब हमारी फोटो को हम शाइनिंग एंड स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल को ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 21,
एंड यहाँ से नॉच रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 20। एंड यहाँ से कलर नॉच रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ रहे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ ही स्टेप्स है। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।